इंसान के चेहरे का सबसे प्रभावी हिस्सा है आंखें, जिसकी खूबसूरती का जिक्र कवियों और शायरों ने भी किया। मगर इस बदलती लाइफस्टाइल में आंखों में न तो चमक रही न ही खूबसूरती। लोगों ने फिटनेस के तरीके तो अपना लिए, आंख के मामले में चश्मे को अपना लिया, लेकिन लोकल 18 के जरिए हम आपको बताते हैं योग से आंखों को सेहतमंद कैसे रखा जाए। आईज एक कैमरा के जैसा है, इस कैमरा में जैसे नॉर्मल कैमरा में योग करें तो उसमें विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम दो टाइप का होता है, एक है रिफ्रैक्टिव एरर और एक है ऑर्गेनिक डिजीज। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब जो लोग चश्मा पहनते हैं एंड चश्मा पहन के देखते हैं, इस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो ऑर्गेनिक डिजीज है उसमें डैमेज ऑफ आई वॉल, उस आई वॉल की जो डैमेज है दैट मीन्स रेटिना डिटैचमेंट, डिजनरेशन, रेटिना पिगमेंटोसा, कॉनराड डिस्ट्रोफी, ये सब चीज़ पे भी पार्शियल इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। एंड खुद वो देखे थे WH बेट्स की, हाँ क्लिनिकल जो ट्रीटमेंट है, जो नॉर्मल आई डॉक्टर के पास जाने से जो चेकअप होता है एंड जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो उसमें सक्सेस के बदले में प्रॉब्लम बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। एक बच्चा को जब चश्मा प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है, ग्रेजुअली एज बढ़ते बढ़ते इन कंटिन्यूसली स्पेक्स पहनते हुए इनकी कंडीशन और पुअर के तरफ जाता है। तब डॉक्टर WH पेट्स क्या किए, ये जो नेचुरल तरीका है, इस नेचुरल तरीका जो इंडिया का ही बेस्ड है, वही चीज़ वो कुछ मॉडिफाइड बेस पे चालू किए एंड करके देखें कि ह्यूज इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं बच्चे के आईज पे। तब वो इस प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के अंदर दे दिए हैं और अभी ये ऑल ओवर वर्ल्ड पे 42 कंट्रीज में चल रहा है डिफरेंट आई केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा। अभी जो कंडीशन है इसमें मैं देख रहा हूँ पोस्ट कोविड कंडीशन पे बेसिकली बच्चे लोग लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब के ऊपर इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, नियर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है और डिस्टेंस विजन लॉस हो रहा है, तो इन लोग ज़्यादा मायोपिक पे चले जा रहे हैं। तो इसीलिए इस जनरेशन 7-8 एज से 17-18 एज तक प्रॉब्लम इंक्रीज होने का टेंडेंसी ज़्यादा हो गया है। इसलिए हम लोगों के टारगेट ये है कि इसी उम्र के बच्चे पे अगर हम लोग कंडीशन को स्टेबलाइज या न्यूट्रलाइज कर सकें तो एक जनरेशन ठीक हो, माने एक जनरेशन स्पेक्स फ्री हो सकते हैं। अभी अगर हम लोग बोले कि ये प्रोसेस किस एज पे एज तक प्रॉपर फायदा देते हैं, तो 5 ईयर से 65-70 एज तक भी पेशेंट है मेरे पास एंड दे ऑल्सो आर गेटिंग इम्प्रूवमेंट। डिपेंड करता है, जो लोगों का पैनक्रियास की प्रॉब्लम होते हैं, जो लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, जो लोगों स्किन की प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको कोई बॉडीली कोई प्रॉब्लम के लिए स्टेरॉइडियल कुछ मेडिसिन लेते हैं, उन लोगों को उसके कारण साइड इफेक्ट में भी आइज की प्रॉब्लम हो सकता है एंड उसके भी ट्रीटमेंट इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। इमेट्रोपिक लोगों के लिए, जो लोगों का आई साइट परफेक्ट है, उन लोगों के लिए हम लोग 4 चीज़ बताते हैं सो दैट उस जिसका प्रॉब्लम नहीं है उनकी आंखें परफेक्ट रहे। उसके लिए 4 चीज़ है, फर्स्ट है आई वॉश, सेकेंड है पामिंग, थर्ड है बार स्विंगिंग एंड फोर्थ है कोल्ड पैक। सो आई वॉश तो हम लोग सभी करते हैं, सुबह नींद से उठने के बाद सभी करते हैं कि एक आई वॉश की एक डब्बी मिलता है, उसके अंदर पानी भर के आईज को उसके अंदर डिप करके सिर्फ ब्लिंक करना है। सो राइट आई में 30 ब्लिंक एंड लेफ्ट आई में 30 ब्लिंक, ऐसे हमको एटलीस्ट दिन में 3-4 बार करना है, ठीक है। उसके बाद पामिंग, पामिंग मीन्स दोनों हाथ की जो पाम है, ये दोनों हाथ की पाम को रब करना है। रबिंग करने के बाद इस पाम से आईज को कवर करना है और आंखें बंद कर लेना है और आंखें बंद करके सोचना है डार्क चीज़ के बारे में, आपके सामने जो अंधेरा हो गया इस अंधेरा के बारे में हमको सोचना है और सोचना है कि बॉडी के अंदर कोई भी सेंस नहीं है, सिर्फ ये जो डार्क है इस डार्क में ही हमको फोकस करना है। ऐसे करके 10 मिनट्स चुपचाप बैठना है। ये हो गया सेकंड एक्सरसाइज। नंबर 3 है बार स्विंगिंग। बॉडी को कोई एक, जैसे हम लोग का घर में ग्रिल रहता है, ग्रिल के सामने खड़े हो जाना है, ऐसे खड़े हो जाना है एंड होके दोनों पैर के अंदर गैप लेना है 1.5 फीट, लेके एक बार राइट में आना है और ब्लिंक करना है और लेफ्ट में आना है ब्लिंक करना है, फिर राइट में आना है ब्लिंक करना है, लेफ्ट में आना है ब्लिंक करना है। ऐसे अगर हम लोग दिन में 3 मिनट कंटिन्यूसली करें और ऐसे दिन में 2 बार करें तो आंखें परफेक्ट रहेगा। और नंबर लास्ट जो है वो है कोल्ड पैक, दैट मीन्स कुछ नहीं है,
ये कॉटन को यानी तो रुमाल को गर्म ठंडा पानी में डिप करके उसको आंखों के ऊपर लगा के 5 से 10 मिनट बैठ जाना है। तो ये चार चीज अगर हम लोग फॉलो करते रहे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का आंख में और फर्दर प्रॉब्लम की चांस कम हो जाएगा। देखिए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है, 40 से 45 मिनट्स टाइम लगता है। इसके कारण क्या है, बेसिकली बच्चे लोग जो लोग की टाइम है उन लोगों के ऊपर ही फोकस किया जाता है एंड उसमें कुछ 10-20% पेशेंट तो टाइम के कारण डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बट वो जो 80% पेशेंट है उस 80% पेशेंट के अंदर 60-65% डिफरेंस आ जाता है एंड वो रिमार्केबल डिफरेंस आते हैं। मुझे इनके बारे में, डॉक्टर पाल के बारे में 8 साल से पता है, मेरी सिस्टर की बेटी का स्क्विन ठीक किया था उन्होंने। सिंस देन आई वाज ट्राइंग कि हाँ इंदौर आ जाए, वो इंदौर में भी लोगों के चश्मे हटाएं एंड देन फिर मैं दिसंबर में गई, मुझे पास का चश्मा लग गया था और आँखों में पानी और ईचिंग भी होती थी और मैंने दिसंबर में उनको दिखाया और मुझे इतना आराम मिल गया कि मुझे चश्मा लगाना नहीं पड़ रहा, मैं सब कुछ रीड कर पाती हूँ, पानी भी नहीं आता है। कुछ एक्सरसाइजेस थी जो उन्होंने बताई थी जो हमने फॉलो करी और दीपिका जी ने आज दिखाया है और अभी एक्सरसाइज भी करी है। हाय, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अभी तो मैंने एक्सरसाइजेस करी हैं, सर ने अभी बोला है वापस एक बार चेक करेंगे। तो जैसे आई वॉश था वो करवाया एंड स्पाइरल्स थे उनके, काफ़ी अलग अलग वेरियस एक्सरसाइजेस हैं। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स लग गए एक्सरसाइजेस करने में। सो सर ने बोला, गारंटी तो दी है कि अभी लगाना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली आई यूज़ टू हैव लाइक लेजी कराया हुआ है मैंने 10 ईयर्स पहले, उसके बाद मुझे अभी वापस से चश्मा लगाया 2 मंथ्स बैक, तो आई जस्ट डोंट वॉन्टेड दैट। तो मैं यहाँ पर आई और सर ने बोला है कि काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाएगा। दिस इज़ वन एक्सरसाइज, इट्स लाइक ओम। हमको पहले नोज़ को पेंट ब्रश समझ के आईज़ क्लोज करके उसको ड्रॉ करना है पूरा ओम को। तो